guys, this is Sanjana from Sasural Simarka. Filhal, I know aap mujhe recognize nahi karenge because I'm in Krishan's avatar. Mera pack up ho gaya hai. Aur aaj tattoo ke baare mein baat kar rahe hai. So they found out that I have a tattoo. So I'm here. Mere tattoo ke baare mein baat karne ke liye. So here is my tattoo. It says 5, 6, 7, 8. And as you know, I love dancing. I'm a dancer. I'm a professional dancer. So it's obviously because of dance. So when tattoo karate hai, one advice to you guys ki jab tattoo karate hai, to make sure that you get something that is very close to your heart. Kyunki jab tak tum marte ho na, tab tak it is on your body. Imagine waking up every day and seeing a tattoo that you do not like. Think about it very seriously. So isliye maine dance मेरा पहला प्यार है तो इसलिए मैंने डांस के रिलेटेड जैसे 5, 6, 7, 8 डांस वैसे टैटू कराया है. सो गाइस, मैं यूजुअली संजना के गेटअप में होती हूँ और टैटू नहीं दिख सकता उसमें. और एक्चुअली कैसी है यार, हमें प्रीवियस शोज में मैंने शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहने हैं, बिकनी पहने हैं, लेकिन कभी किसी ने नोटिस नहीं किया. लेकिन मनीष न्यूज़ नेशन से इन्होंने नोटिस किया है कि मेरा टैटू है. एंड या सो दैट्स 5, 6, 7, 8. और स्टोरी क्या है इसके पीछे, तो मेरे डैडी ने मुझे कहा कि नो मैटर व्हाट यू विल नेवर गेट अ टैटू. तो मैंने कहा ठीक है, बट आई वांट टू गेट अ टैटू, व्हाट टू डू. तो पापा को झूठ नहीं बोल सकती. तो वन डे माय डैड इज़ हैविंग अ पार्टी डाउनस्टेयर्स एंड आई वाज अपस्टेयर्स इन माय रूम. और मेरी फ्रेंड नामा, बाय द वे नामा अमेजिंग टैटू आर्टिस्ट जिसने ये बनाया है, वो घर में आई थी. और मैंने डैडी को बोला यू नो यू आर नॉट लेटिंग मी गेट अ टैटू, सो आई विल गेट इट डन इन द हाउस ओनली. तो मैं घर में ऊपर बैठ के टैटू बना के आई वॉज वॉचिंग स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स. और टिकल हुआ था, इवन दो इट्स ऑन द रिब्स टिकल हुआ था, इतना हर्ट नहीं हुआ था. आई वॉज वॉचिंग स्पंज बॉब स्क्वेयर पैंट्स टू डाइवर्ट माई माइंड. और मैं नीचे जाके गई और मैं डैडी को बोली देखो आई गॉट अ टैटू. So that's the story behind the tattoo. It was a lot of fun. So मेरा suggestion है youngsters को, please boyfriend girlfriend का tattoo मत बनाओ. क्योंकि मेरे कितने friends हैं breakup के बाद shit क्या करूँ इसके साथ. So do not do that. Maybe if you get married to someone you can get their name. I think तो I should get my own name tattooed. But don't make that mistake. That is my suggestion for you guys.